और लिखा है सरिसर डाटा का। एक दूसरी समांतर श्रेणी लिखा है, वो लिखा है 3, 10, 17 डाटा डाट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, अनुवाद पद पूछ रहा है इसका कौन सा बराबर होगा। तो यहाँ लिखना कि प्रथम समांतर श्रेणी लेने पर, प्रथम समांतर श्रेणी लेने पर यहाँ से ए बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, मतलब प्रथम पद। बी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितने का अंतर है इसमें, 63-65 दो, 65-63 कर दीजिए कितना हो जाएगा, दो, ठीक। अच्छा यह नवा पद यहाँ से द्वितीय समांतर श्रेणी लेने पर, द्वितीय समांतर श्रेणी लेने पर ए पी टू हो जाएगा, नंबर कर लेकर आओ इसी आइए। यहाँ से प्रथम पद हो जाएगा लड़के 3 हो जाएगा, हाँ डी हल करने जाओगे तो 10-3 निकल के कितना हो जाएगा, 7। यहाँ लिखोगे यनवा पद, यनवा पद हो जाएगा एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा ए एन इजिकल टू हो जाएगा कितना हो, 3 प्लस एन माइनस वन अगुणते हो जाएगा 7। समीकरण नंबर 2 हो गया 2। तो समीकरण तुम्हारा 63 एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7 हो जाएगा। अब देखो इसको गुणा कर लो, इसको गुणा कर दोगे तो 2n-2 हो जाएगा, इसको पछाड़ करेंगे ये लड़के, आइए एन वाली को इधर लेकर आ जाओ गुणा करके, तो गुणा कर दोगे तो माइनस का 7n प्लस का 7 ये उधर जाएगा, हो जाएगा 3-63। ये घटेगा तो घट जाने के बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 5n हो जाएगा, ये इसे घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, बोलोगे नहीं होगा ना, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा, ठीक। माइनस कॉमन ले लो 5 तो n माइनस 1 हो जाएगा बराबर 60 हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर माइनस 60 बटा माइनस 5 n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो n बराबर 12 प्लस 1 n बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर कर लीजिए, जल्दी करिए इसको खत्म कर दिया जाए।